हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है कि ये क्या होती है, इसको किसने बनाया है और इसकी हमें क्या जरूरत है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों यूज करते हैं, तो आप ये जो आई बटन में लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे लिंक चेक कर सकते हो। और अगर आपको पिछले 4 क्वेश्चंस का अगर लिंक चाहिए तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन आज देखते हैं। देखो स्क्रीन, देखो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यहां पे आप देखो फिगर आ रही है आपके पास। ओके, इस फिगर में आप देखो, इस फिगर में एक क्लासरूम है, उसमें 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो ए बी सी डी पोजिशन पे बैठे हैं। ए बी सी डी पोजिशन पे बैठे हैं 4 स्टूडेंट्स। चंपा एंड चमेली क्लास में आते हैं और चंपा चमेली को पूछते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि जैसे ये बच्चे बैठे हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये बच्चे एक तरह का स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। चमेली कहती नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद कौन सा ही बोल रहा है, आई मीन क्या ही वाकई ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इस जो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोऑर्डिनेट स्टेटमेंट भी गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम दिस डायग्राम। आपको इस डायग्राम से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर आपको वो कोऑर्डिनेट्स यूज करने के बाद आपको वो सम सॉल्व करना है और पता करना है स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पॉइंट हमारे पास देखो ए है, ए पॉइंट है, ए के देखो कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा। हम पहले अगर मैं ए से अगर सीधी लाइन नीचे ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस पे तो क्या बनता है मेरे पास 3। एक्स कितना आ गया इसका 3। और अगर वाई पे अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं क्या बनता है 4। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बी पॉइंट पे। अगर मैं बी का बी पॉइंट देखूं तो बी पॉइंट है मेरे पास, अगर मैं नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस पे क्या आता है मेरे पास 6 और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो क्या आता है मेरे पास 7। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 6 और 7। नाउ अभी हम देखते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स। सी देखो पॉइंट सी है, अगर मैं एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आता है इसका एक्स एक्सिस पे 9 और अगर मैं वाई पे ड्रॉ करूं तो क्या आता है 4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 9 और 4। ओके, अगर मैं अपने लास्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है मेरा डी, डी पॉइंट पे देखो बेटा आप, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो क्या आता है मेरे पास 6 और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो क्या आता है मेरे पास वाई एक्सिस पे 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 6 और 1। अब मैं ऐसे 6 और 1, 3 और 4, 6 और 7 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है हम कोऑर्डिनेट हमेशा पहले एक्स नोट करते हैं फिर हम वाई नोट करते हैं। पहले हमको एक्स नोट कर लेना है फिर आपको वाई चेक करना है, ठीक है, एक्स एंड वाई। ओके, सो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं पॉइंट्स के, तो चलिए हम देखते हैं कि वाकई क्या है स्क्वायर बनता है नहीं बनता। देखिए, ओके देखिए बेटा, मैंने ना अभी जो कोऑर्डिनेट्स हमने जो पढ़े हैं हमने जो फाइंड आउट किए हैं वो लिख लिए हैं बोर्ड पे, ठीक है, और मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करके देखा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हमें प्रूफ करना है क्या ये वाकई ये स्क्वायर है या क्या है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटर तो चलो है क्योंकि 4 राइट साइड्स हैं तो कोऑर्डिनेटर तो है ही है, हमें प्रूफ करना है क्या है वाकई चंपा सही बोल रही है वो स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। कैसे करेंगे, देखो एक स्क्वायर को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या जरूरी होता है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कोऑर्डिनेटर अगर कोई 4 साइड्स की कोई 4 साइड्स की अगर कोई फिगर है तो वो स्क्वायर है, सबसे जरूरी क्या चीज है, वेरी गुड, स्क्वायर को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इसकी जो साइड्स होनी चाहिए ये वाली साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर मस्ट बी सेम। ओके, अगर हमको एक क्वाड्रेटर को स्क्वायर प्रूफ करना है देन ऑल द साइड्स ऑफ द इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रेटर शुड बी सेम। अब बेटा यहां पे ट्विस्ट ये है, अगर मैं कह दूं AB = BC = CD = D, साइड्स तो इक्वल हो गए, लेकिन आपको पता है साइड्स तो बेटा रोम्बस की भी इक्वल होती है, साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो फिर एक स्क्वायर को रोम्बस में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं रह गया। क्या करें कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस से डिफरेंशिएट हो जाए, अभी तक अगर मैं प्रूफ कर दूंगा ना दिस
this side is equal to this one, is equal to this one, and this is equal to this one. ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा लेकिन स्क्वायर नहीं प्रूफ होगा. सेकंड चीज हमारे पास बेटा डायगोनल्स. डायगोनल एसी शुड बी इक्वल्स टू बीडी. रोम्बस में ये जरूरी नहीं है. रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, उसके सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं. स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो साइड्स इक्वल तो होती होती हैं तब तक वो रोम्बस रहता है, लेकिन जब बाद में डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं देन दैट रोम्बस is converted into square. Very good. ठीक है, अभी हमारे पास काम क्या है, हमको ए बी बी सी सी डी और डी ये चारों साइड्स प्रूफ करनी है, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. और एक हमारे पास है डायगोनल ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी डी. हमें दो काम करने हैं, आप नोट कर लीजिए. हमें एक तो साइड्स इक्वल करनी है प्लस हमें डायगोनल्स इक्वल करना है, काम छोड़ नहीं देना. ठीक है, अभी देखो कैसे करना है. आपको पता है मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करता हूँ. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर. एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. राइट, तो सबसे पहले हम करते हैं ए बी. फोर पॉइंट्स हैं, आपको पता हुआ है जब हमारे पास फोर पॉइंट्स होते हैं, फाइव पॉइंट्स होते हैं, थ्री पॉइंट्स होते हैं, तो पहले हम बारी बारी करते हैं, टर्न बाय टर्न करते जाते हैं. ठीक है, अभी हम करेंगे सबसे पहले ए बी. ये भी क्या है हमारे पास, x1 y1 x2 y2 6 minus 3 7 minus 4 square. 6 minus 3 3 3 square, 7 minus 4 3 square. 3 square का होता है 3, 3 are 9, 9 plus 9 that is equal to under root 18. हो गया हमारे पास ए बी, हो गया. अब करते हैं बी सी. मैं डायरेक्टली करने वाला हूं, ठीक है. अभी देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 9 माइनस 6 4 माइनस 7 9 माइनस 6 3 स्क्वायर 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव और सबट्रैक्ट साइन बड़ी वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू का 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 19 का स्क्वायर पॉजिटिव ये भी हो गया मेरे को ग्रेटर. ओके, अभी हम करते हैं सीडी. एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 6 माइनस 9 1 माइनस 4 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9 होता है सो 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 18 मीटर्स. ओके, अभी करते हैं डीए. आप एडी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डीए करने वाला हूं. ठीक है, आप एडी भी कर सकते हो. मैंने आपको बताया ये जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो, इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते. ठीक है, डिस्टेंस में आप कुछ भी कर लो, ए बी कर लो या डी ए कर लो, सेम चीज है. हमारे पास है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 3 माइनस 6 4 माइनस 1 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 मीटर्स. देखो बेटा यहां पे देखो ए बी क्या आ गया, बी सी के इक्वल आ गया, जो आगे सी डी के भी इक्वल आया और आगे डी ए के भी इक्वल आया. मतलब कि अगर सारी के सारी साइड्स चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं इस क्वाड्रिलेटरल की देन ए बी सी डी इज रोम्बस. ए बी सी डी हैज बीन प्रूव एज अ रोम्बस सो फार, अब तक एक रोम्बस प्रूफ हो गया. लेकिन क्वेश्चन यही नहीं छोड़ देना, बचेगा करते हैं चारों साइड इक्वल आ गई चलो जी कोई बात नहीं काम हो. नो दैट्स रॉन्ग. ओके, इन ऑर्डर टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर
you have to prove that diagonals along with the sides must be equals to each other. Okay? Diagonals भी करने आपको, मैं इसको raise करने वाला हूँ, ठीक है? आप note कर लो, और मैं फिर हम देखते हैं कि diagonals आते हैं नहीं आते, कम करते हैं. Okay, बेटा देखो, diagonals कौन-कौन से हमारे पास? AC. AC पे distance formula लगाओ, AC पे. X1, Y1, X2, Y2, that is 9 minus 3, 4 minus 4. BD. X1 Y1, X2 Y2, that is 6 minus 6, 1 minus 7 square, 0 square, minus 6 square, and 0 square khatam ho gaya, under root 36, that is equal to 6 units. Right? तो अभी हमारे पास 6 दोनों इक्वल्स आ गए. अगर AC और BD भी इक्वल आ गए, और पहले चार तो वैसे ही इक्वल थे, then we can say that this ABCD is a square because all the sides are equal along with the diagonals. Okay, sides भी इक्वल हैं और diagonals भी इक्वल हैं. ठीक है, it means who was saying that this is a square? Very good, Champa. So the Champa is correct. ठीक है, Champa क्या है? Champa सही बोल रही है. Okay, तो हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं. इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं ज्ञान अमन पे अपने चैनल पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस 9th क्लास के और 10th क्लास के करवाता रहता हूँ. ठीक है, मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स भी करवाता हूँ. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना. ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन कर लेना जो भी मैंने अभी आपको करवाया है. ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे. थैंक यू सो मच.